अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम निशान रज़ा है और आप निशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोन के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो 4 साल बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से उनके इस्तकबाल के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो लाहौर की जानिब जो है वो जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। काफिले जो है वो लाहौर की जानिब रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं उनसे बात करते हैं। सलीम ताहिर गुजर जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सलीम साहब, आप सैकड़ों की तादाद में काफिला जो है वो यहाँ से गाड़ियों को लेकर लाहौर की जानिब रवाना हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हैं जी। हम आप दिखा रहे हैं कि जी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो अहदेदार हैं, हमारे जो कारकुन हैं वो बहुत परजोश है और इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हम मनार पाकिस्तान में 3:30 बजे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ कारकुनान जो हैं उनमें खासा जोश व खरोश पाया जा रहा है और अपने कायद के इस्तकबाल के लिए 7 रोज़ से जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ थे। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कारकुनान यहाँ पर बड़े जो है वो जोश पाया जा रहा है और यहाँ पर जो NDA 109 के उम्मीदवार हैं सलीम ताहिर, उनकी क्यादत में जो है वो जंग से लाहौर के लिए काफिला जो है वो रवाना हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं हाथों में कारकुनान ने पार्टी परचम उठा रखे हैं, फ्लैक्स जो हैं वो गाड़ियों पे लगे हुए हैं और गाड़ियों पर सवार लीगी कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़ा जोश और खरोश पाया जा रहा है कारकुनान में। उनका कहना है कि 4 साल के बाद आज इनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस जो है वो खसूस की तैयारी पर जो है वो पहुंचेंगे। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से वो लाहौर पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान, जहां जो है वो जलसे से खिताब करेंगे।